अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटेड पछताने वाले हो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है, जिस झूठी नींद में आप सोए हुए हो उससे उठाने के लिए, जहाँ हो सकता है कि आपको कुछ बातें शायद थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन ये बातें आपको बाकी के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से अलग बनाएंगी। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है, ये आपके गोल्डन ईयर्स की है, क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी है, जितनी शायद फिर कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगी। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि जवानी जिंदगी का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट समय है। इस टाइम में आप जो काम करते हो वही ये डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को यूं ही वेस्ट कर दोगे फोन में या किसी और फालतू की चीजों में, तो ये आप अपने साथ, अपनी एक ही बार मिलने वाली लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, हमारा यहाँ गोल आपकी कमियां गिनवाना नहीं है, बल्कि हमारा गोल तो यह है कि हम आपके साथ आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद करें। वो जिंदगी जो जिंदगी आप जीना डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शंस ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए हो। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी उतना समय नहीं बीता, अभी तो मेरे पास टाइम है चीजें करने के लिए, मैं आगे चल के कर लूंगा। वैसे भी अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं, तो हम यहाँ यही कहेंगे कि कुछ मत समझो, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, कुछ समय और रुक जाओ, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, वो आपको अपने आप समझा देगी। क्योंकि यही सेम गलतफहमी बाकी के 99% लोगों को भी होती है कि उनके पास अभी टाइम है, अभी देर नहीं हुई है, और वो इसलिए क्योंकि जैसा हम अभी आपको बता रहे हैं वैसा आपके पास हमेशा हर कोई नहीं होता, जो ये याद दिलाता रहे कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हो वो उतना सीधा, आसानी से और जल्द ही आपको मंजिल तक असल में नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज्यादा टाइम और साल लेता है। और ये बात हम यूं ही नहीं बोल रहे, बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। इसीलिए अगर आज इसे आप फुल पावर में एक्शंस लेना स्टार्ट नहीं करोगे, तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार कुछ साल पहले मैंने स्टार्ट कर लिया होता इतनी मेहनत करना, तो आज मैं उस पोजीशन में होता जहां मैं होना चाहता था। अब तो एज के साथ मेरी धीरे धीरे एनर्जी और वो इनर फायर भी कम होती जा रही है। जिंदगी में पेशेंस यानी धैर्य रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पेशेंस सही नहीं है जो आगे चल के आपकी लाइफ को वैसा बना दे जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते थे। और वैसे भी अगर आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में इंजॉय कर सकते हो, तो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगना। इवन इलॉन मस्क भी कहते हैं, पेशेंस रखना बंद करो और अपने आप से पूछना शुरू करो कि मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूँ। पर रिवायर्स, आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशन है, आपको क्या पता, मैं ही जानता हूँ मेरी सिचुएशन। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश जरूरी है और जॉब भी कम है, सब सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहते हैं, मैं इन गलत आदतों में फंसा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब स्टार्ट करूंगा, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, मैं आज ऐसा हूं क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे पे थोपना, मगर फिर भी किसी और पर अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम थोपने से वो सॉल्व नहीं हो जाएंगी, रहेंगी वो हमेशा आपकी ही प्रॉब्लम्स, जिन्हें आज नहीं तो कल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और बस शिकायत करते रहोगे तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे, कहेंगे सब ठीक हो जाएगा और फिर भूल जाएंगे, पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद ठीक नहीं करोगे। वेल, ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं है आपकी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में शायद जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और सिचुएशंस भी शायद सच में बहुत टफ है, लेकिन अभी या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन पर फोकस कर सकते हो या इस पे फोकस ना करते हुए 10 गुना ज्यादा एक्शंस ले सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से जल्द बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितने रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो उतने रिस्क आप अभी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद या जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और आपकी उम्र हो जाएगी तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेके आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब रिस्क लेने से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि आपको सोच समझ के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है,
जिन दोनों की ही अभी आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, ये गलती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए और इसी में कहीं आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? गलत। आपका डर ये नहीं है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, वो तो वैसे भी रोज हो ही रहा है। सच तो यह कि अधिकतर लोग इस बात से ज्यादा डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इन लोगों की सोच के चक्कर में फंस के रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंसते ही जाओगे, और जब एक बार उम्र निकल जाएगी तब आप चाह के भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको थ्री इडियट्स मूवी का ये सीन तो याद ही होगा। फरहान ये बोलता है, अब्बा नहीं मानेंगे। याद है इस पे रेंचो क्या कहता है? आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बुड्ढा होकर ऐसे किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पे थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। दोस्तों, रिस्क ईंटों की तरह है जिनका इस्तेमाल करके या तो आप अपने और अपने सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंटों का यूज करके एक ब्रिज बना सकते हो जिस पे चल के आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि अगर मैं गलती से फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यही सब लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे, और वैसे भी वो क्या खुद इतने परफेक्ट हैं जो आप उनके बारे में सोच रहे हो। ये टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेस करने का, उस काम को करने का जो दिल से करना चाहते हो, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी प्रेजेंट में आज आप उस पे एक दिन का लेबल लगा रहे हो कि एक दिन मैं ये काम करूंगा, एक दिन मैं वो काम करूंगा। आप जितना इसे टालते जाओगे ये उतने दिन दूर होता जाएगा। इसलिए जो करना है अभी करो और आज करो, कल पर कुछ मत छोड़ो। सोचने के लिए, इंजॉय करने के लिए और आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इन गोल्डन ईयर में जितना हो सके उतने एक्शंस लो, काम करो। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और भूल के सिर्फ और सिर्फ काम करो, नहीं, बल्कि आप बाकी की चीजों को भी साथ में लेके चलो। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सबके साथ इस उम्र को स्पेंड करो, लेकिन 16 घंटों में से कम 8 घंटे अपनी ग्रोथ और सक्सेस को भी दो, सिवाय सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के। क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगेंगी, जब ये गोल्डन टाइम खत्म होने लगेगा, तब क्या करोगे? क्योंकि आप चाहो या ना चाहो ये टाइम खत्म तो होना ही है, और ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आगे जाके लाइफ मुश्किल होने वाली है या आसान। आप अपने आसपास के लोगों को देख के जान ही सकते हो। देखो, लाइफ के इस सर्कल में आप कुछ भी कर लो, एक फेज ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको ना चाहके भी हार्ड वर्क और मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग जवानी में ये मेहनत करके आगे चल के आराम से जीते हैं, कुछ लोग आज मजे मार के तब मेहनत करते हैं जब उम्र बीत जाती है और शरीर में जान नहीं होती। इसीलिए आज मेहनत कर लो, वरना आगे जाके जब लाइफ अपनी मर्जी से मेहनत करवाएगी, जब वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको वो जबरदस्ती बिना मर्जी के करना होगा, तब वो आपकी चॉइस नहीं मजबूरी होगी, जिसमें ज्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। वहीं अगर आपने इस गोल्डन एज की वैल्यू समझ ली, अगले 8 से 10 साल जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जिससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजारोगे, तो 20-30 साल बाद जब रात के अंधेरे में आप अपने घर की छत पे खड़े होके आसमान को देख रहे होंगे, जब आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी, आपको अपनी मेहनत पे, अपने आप पे कितना प्राउड फील होगा, उस टाइम आप मन ही मन अपने यंगर सेल्फ को सिर्फ ये 2 वर्ड्स कहोगे, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।